Hey guys, welcome back to my channel. It's me, Nazar. Sorry, Papa, I don't know. I don't know how to make it. Today, I'm going to make aloo and Charles related snack, which will work very good. I hope you have a question. If you like this video, like and subscribe. And let's look at it. And इससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, अगर अगर आप ये रेसिपी ट्राई कर रहे हो तो अपने हाथों को बोल देना बाय, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत मिर्चें लग रही हैं. मैंने ये रेसिपी ट्राई करी तो इतनी मिर्चें लग रही हैं, मैं क्या बताऊँ. अगर आपने कभी टिक्की बनाई है तो आपको शायद पता होगा, और बहुत मिर्चें लग रही हैं, लाल हो गए मेरे हाथ. तो let's get started and the whole recipe. So today we are gonna make a badhiya sa tasty snack. Okay, to ye snack banane ke liye aapko chahiye hoga potato and rice, rice and ye mashed potato hai. Ye maine chote size ke mere potato the, kuch zyada mini minus mein gaye hue potato the wo, to maine uske 7 pieces liye hain. Matlab agar aapke bade potato hai bas 3 pieces hai hain. मीडियम के लिए आप चार रख सकते हैं, एंड फॉर स्मॉल तो आप 7 रखना. इधर हम लोग अपने पोटैटो को मैश कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्लीन हैंड्स से करना. और बस भी ये थोड़ा सा शैलो फ्राई भी होते हैं, तो इसमें आपका वो जितना में इम्प्योरिटीज हो गए साफ हो जाएगा हैंड्स की, वरना क्लीन हैंड यूज़ करनी. यानी कि बिल्कुल अभी गंदे संदे हाथ यूज़ करती है. जस्ट एड दिस एंड इसको मैश कर रही हूँ मैं इस तरीके से. अब इसको आईपैड से शूट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, एडिटिंग बहुत मुश्किल होती है आईपैड से, बट एनी वेज मैंने स्पेशल डाल देते हैं, एडिटिंग भी करेंगे अभी इसकी. इसको मैंने बहुत अच्छे से मैच कर लिया है. दिस इज द मैच द रिजल्ट. इसके अंदर जाएगा हमारा राइस. हाँ राइस, हाँ जी हाँ जी, हाँ राइस. अच्छा ये राइस गिर गया मेरा राइस, थोड़ा सा कोई बात नहीं, दिखाने के चक्कर में राइस गिर गया. तो मैं लूँगा आधी कटोरी लूँगा और लूँगी लूँगा बोलने वाला हो जाता है. हाफ काइंड ऑफ जितना मुझे नीड लग रही है, आई गेस आधी कटोरी इज इनफ. यू कैन टेक अराउंड हाफ ऑफ दैट. मुझे लगता है कि ये ज़्यादा वो ना बन जाए, बेकार. सो दिस इज मिक्सड प्रॉपरली एंड इसकी कुछ कंसिस्टेंसी ऐसी है बैटर की हमारी. मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है. आई एम बैक एंड यहाँ पर हमारा जो हिसाब से कंसिस्टेंसी है इसके अंदर, सॉल्ट भी ठीक ही है क्योंकि मेरे राइस में सॉल्ट होता है, तो इसलिए मैं इसमें अलग से सॉल्ट नहीं डालने वाली हूँ. यू डोंट नीड टू ऐड अगर आपके राइस में सॉल्ट, अगर अगर आप लोग राइस फीके खाते हो, फीका फीका जो भी बोलो, तो आप लोग इसका इस्तेमाल ना करें, मतलब नमक का इस्तेमाल करें. नमक मसालों पर आते तो हमें चाहिए होगा थोड़ा सा चाट मसाला. MDH नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल. ऐसी मेरे पास जो चाट मसाला है वो ले रही हूँ. थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर दिस काइंड ऑफ, एंड थोड़ा सा धनिया पाउडर. तो सबसे पहले मिक्स करते हैं इसके अंदर अपना लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर. इसको मिक्स कर लेती हूँ. मेरे आपके हाथों में अगर मिर्चें लगे तो उसकी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ. इसको मैं खोल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा वो है ऑयली मेरे हैंड्स. हाँ बस मैं समझ आ चुका है, मैं बस ये लाल मिर्च पाउडर डालना है, तो ये मैं अपने चम्मच निकाल लेती हूँ इसमें से. कितने एक चम्मच क्यों होती है, इतने चम्मच वेस्ट किए जाए क्यों. वी हैव टू आर स्पून, वी आर गोना ऐड थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ही डालना भी ज़्यादा मत डालता हूँ, थोड़ा सा. एनीवेज फीका नहीं होना चाहिए, तीखा. आई लव तीखा. I can't have ice cream stick right now. Then we are going to add chaat masala, choti chaat masala. No need of salt agar you are adding chaat masala also. Same as my recipe mein salt ki zarurat nahi hai. We have a chaat masala. Half teaspoon ke kareeb hai. 1/4 teaspoon ke kareeb maine bulaya tha. Half teaspoon ke kareeb hai. Haan half teaspoon ke kareeb hai. चाट मसाला भी गया. थोड़ा सा हमें डालना है इसमें गरम मसाला, दिस मच, ज़्यादा नहीं, 1/4 टी स्पून के करीब. डाल दिया हमारा गरम मसाला, इन आखिर में हम लोग अपना धनिया पाउडर डालेंगे.
अगर आपको जीरा पसंद है जीरा यू कैन डेफिनेटली ऐड जीरा मतलब थोड़ा बहुत चलेगा ये समझना मत कि मैं थोड़ा छोटा सा बच्चा हूँ तो मैं आपको कई रेसिपी सिखाऊंगा थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर लाइक इस इतना ठीक है उसके बाद आप इसको टेस्ट भी कर लेना कुछ ठीक है कि नहीं ये धनिया पाउडर भी गया इनसाइड दिस मिक्स ऑन दी इंग्रेडिएंट्स ऊपर से यूजिंग स्पून ऊपर से पहले मिक्स कर लेंगे हम लोग इससे ताकि आपके हैंड्स में सारा मसाला आने लग जाए तो स्पून से मिक्स करना ऊपर ऊपर से अभी फिर अपना हैंड्स का इस्तेमाल करना यहाँ पे आपको अपना हैंड्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा तो मेक श्योर कि आप अपना हाथ धो के आओ दिस लुकिंग गुड अगर आप चाहते हो तो आगे मैं आपको टिप भी बताने वाली हूँ कि इसको टेस्टी और डिलीशियस कैसे बनाया था यू आर मेकिंग दिस यू आर लुकिंग फॉर तो ऑब्वियसली अगर बनाओगे तो इसको टेस्टी बनाना बनता ही है लेट्स मिक्स ऑल दीज थिंग्स हियर आफ्टर मिक्सिंग एंड मेकिंग ओके आई एम बैक एंड ये हमारा बैटर बन के रेडी है ये हमारा बैटर रेडी है उसको सही से मस्त बन चुका है एंड इसके अंदर मसाले मसाले भी डाल दें मुझे इसको लाल मिर्च वगैरह बड़ा लाल लाल लग रहा है नहीं इसमें तो मैं आपको अपने हाथ में भी लेकर दिखाती हूँ देखो दिस इज आवर बैटर सो इसको अच्छे से मिला लिया है मैंने एंड बना लिया आप लेंगे खाली प्लेट प्लेट खाली प्लेट दिखाऊंगा दिस इज अ खाली प्लेट ओनली उसके बाद मैंने छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लिया मैंने मेक टिक्की काइंड ऑफ थिंग तो रोल करो एंड यूज दिस लाइक दिस ये काइंड ऑफ ये आपको स्नैक के तौर पर मस्त लगने वाली है सॉस के साथ एंड अगर आई वुड से सॉस हो गया क्या दही चटनी ऑल दिस थिंग्स विल बी लाइक ओ माय गॉड दही हो तो मज़ा ही आ जाएगा एंड हाँ इसके अंदर हम लोग चाहो तो चीज़ मिला सकते हो हाँ चीज़ विल नॉट टेस्ट बैड इसको थोड़ा मस्त सा क्रिस्प देने के लिए मतलब इसको हम लोग कुछ इतना ही ठीक रखना देख सकते हो उसकी थिकनेस इसको एस्टिमेट किया जाए तो मैं मैथ्स में इतने अच्छे तो हूँ नहीं तो मैं इसको एस्टिमेट करूँ कितना सही होगा इसका तो इट वुड बी 1 inch 1 inch के अंदर अंदर रखना है बट मैं इसको पतला कर रही हूँ ताकि क्रिस्पी बने एंड इसको अपने हिसाब से मोटा है क्रिस्पी कैसे भी देखना चाहिए वैसे तो हियर वी हैव आवर डो एक बॉल बनाओ नॉर्मल सी देन गेट इट लाइक दिस ये हमारे कटलेट का छोटा भाई है इसको आप चाहो तो कटलेट का छोटा भाई बोल लो टाइप ऑफ टिक्की दिस वुड बी वेरी क्रिस्पी एट दैट मोमेंट एंड वेरी टेस्टी बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश से रिलेटेड स्नैक्स क्यों नहीं दिए जाए आपको सो है डोंगा और बावलेस एम्प्टी एंड हमारे पास आ चुका है हमारी टिक्कियाँ तो 7 मिनी आलू से बिल्कुल माइनस आलू से आपके 8 टिक्कियाँ निकल के आएंगे ये मीडियम साइज की सो दैट अ ग्रेट थिंग एंड हाथ में आपको थोड़ा बहुत मिर्ची भी डालने वाली हूँ अब मैं इसको फ्राई तो खुद नहीं करने वाली हूँ मम्मी से फ्राई करवाने वाली हूँ अगर आप लोग बना रहे बच्चे हो तो मम्मी से फ्राई करवाना दैट्स अ गुड थिंग एंड देन आपसे फ्राई करने के बाद इसका रिजल्ट लेकर मिलती हूँ कि क्या है ये इतना ईजी सी चीज़ क्या ये सेम टेस्टी है कि नहीं मेरा दिमाग ने क्या किया है ये आज आलू और चावलों के साथ लेट्स सी लेट्स गो आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि ये कैसे लग रहा है ऊपर से मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 स्टिकी लेट्स गो एंड फ्राई दीज और हाँ इसके अंदर मैं चीज़ भी लगा सकती हूँ तो मैं एक के अंदर लगाने वाली हूँ चीज़ और उसको रख देंगे तो उसमें इस वाली में Yes, so I got this. That is the cheese from 100 for 105 rupees from Amul and not sponsored. It's only supposed to be the cream of Kanda Lagana. This is the cheese for one.